हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह छोड़ आया है अपना टिफिन, जा रहे हैं इसको देने के लिए, स्कूल में देंगे। उसके बाद फिर प्लानिंग है इसका स्कूल चेंज करने के, दोनों बच्चों का, क्योंकि जिस स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं वो 5th क्लास तक ही है, तो आगे के लिए टेंशन रहेगा फिर एडमिशन का, और बड़ी क्लास में फिर आगे जाके दूसरे स्कूलों में मुश्किल हो जाता है लेना। हाँ भैया, ये सुभांश पांडे 1st डे का है, टिफिन छूट गया उसे। इसी स्कूल में जा रहे हैं गाइस हम, खेलगांव पब्लिक स्कूल। गाइस अभी एंट्री प्रोसेस चल रहा है, तो अपना आईडी वगैरह एड्रेस वगैरह सब दिया गया है, तो हम प्लान कर रहे थे पैदल जाने के लिए। तो भैया ने बोला कि वहाँ पे यहाँ से भी दूर है, तो आप इसे अंदाज़ा ला सकते हैं कि कैंपस कितना बड़ा है यहाँ का। गए हैं पापा गाड़ी लाने के लिए, अब गाड़ी से निकले हैं। ये अभी हम एंट्रेंस पकड़े हैं खेलगांव पब्लिक स्कूल। मिश्रा जी हम क्या स्कूल है? कौन मिश्रा जी, जान पहचान है क्या? थोड़ा थोड़ा सा पला रहा है दिमाग में। उतर चुके हैं पार्किंग एरिया में, अब गाड़ी खड़ी है। तो गाइस बहुत बड़ा कैंपस है, छोटा नहीं है, अंदर आने के बाद और बड़ा दिख रहा है। कितना बड़ा है सर, आगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक गया है। रियली गाइस बहुत बड़ा कैंपस है, चले जा रहे हैं ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ढूंढते मिल गया है एडमिशन ऑफिस, अब यहाँ जाएंगे पता करेंगे कैसे क्या सिस्टम है। तो गाइस पूरा हमको गाड़ी से बैठा के घुमाया पूरा कैंपस बहुत बढ़िया है। कितने एकड़ में बता रहा था? 30 एकड़ में है ये पूरा स्कूल। स्पोर्ट्स बिल्डिंग है, सारे स्पोर्ट्स इसके अंदर होते हैं, काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है इसके अंदर। फिर क्रिकेट ग्राउंड अलग से है, स्पोर्ट्स का सब अलग है। टेनिस कोर्ट हो गया सामने आप देख रहे हैं, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, इधर बच्चों के लिए बोटिंग सिस्टम है, तालाब बना हुआ है। तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है, बट घर में जाएंगे डिस्कस करेंगे कैसे क्या है। मास्टर टीचर से बात कर जाकर टीचर, अभी एग्जाम चल रहा है ना सर। बहुत बढ़िया लगा, अच्छा स्कूल है, कैंपस बहुत बड़ा है उसका, तो हर चीज हर फैसिलिटी है वहाँ। खेलगा तो क्या बोलती है पराए हैं? मैं राजी यहीं कराने के लिए। क्या हैं बच्चे राजी नहीं हैं? क्यों बच्चे के दोस्त स्कूल चेंज नहीं करेंगे? दोस्त छूट जाएंगे उनके, बच्चे स्कूल नहीं चेंज करना चाहते, उनके दोस्त छूट जाएंगे। चलिए सब तो देख लिया, समझ लिया कैसे क्या है, अब प्लानिंग करेंगे कैसे एडमिशन है। वैसे एडमिशन के लिए बात कर लिया उनसे, बोला कभी भी आके अपना जैसे फॉर्म भरना पड़ेगा, एंट्रेंस का एक फॉर्म भरना पड़ेगा, एंट्रेंस का एग्ज़ाम होगा उनका, उसके बाद फिर एडमिशन ले लेंगे। 30 तारीख तक डेट है। वैसे ब्रेकफास्ट करके नहीं गए थे, अब आए हैं ब्रेकफास्ट करके। दूध है, ब्रेड है। पापा किए थे क्या? क्यों रीना, जाम है क्या? सो गाइस अब डिसीजन लेना है कि बच्चों का एडमिशन कब से है, कब से कराना है उसका। पहले तो होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो करा के फिर हम, तो 30 तारीख लास्ट है। सो गाइस आपने ब्लॉग इंजॉय किया होगा, प्लीज़
लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।